So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video we are going to talk about the mechanism of enzyme action. जब भी कोई आपसे पूछता है कि एंजाइम आपका क्यों इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो आपके मुंह से एक ही बात निकलती होगी कि सर ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिस वजह से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे मैकेनिज्म पूछूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने के पीछे लॉजिक क्या है, तो शायद आप में से कोई बच्चा ना बता पाए, क्योंकि नीट लेवल पर जो है किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं दिया रहता। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से लिंक करने वाले हैं, डेसिफर करने वाले हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जिस वजह से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स लर्न समथिंग अमेजिंग टुडे, राइट? सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। ओजोन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारा यूट्यूब पर एक और बैकअप चैनल है जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी ऑन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो लेट्स डू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ मॉर्निंग बाइट्स, जहां पर हम हर रोज सुबह कुछ एक्साइटिंग कुछ अमेजिंग पढ़ते हैं। सो ये ग्राफ आप सबने देखा होगा, दैट इज अ श्योरिटी। ये बहुत ही कॉमन ग्राफ है और हर बुक में आपका दिया जाता है। ये आपका एक्सिस है जिसके ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी दी हुई है, और ये आपकी पर्टिकुलर एक्सिस है जहां पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस जो है आपका दिखाया हुआ है। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, राइट? सो हियर दीज आर द रिएक्टेंट्स और द सबस्ट्रेट। सो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपके सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट है, तो ये आपका सबस्ट्रेट वाला जो है पोजीशन हुआ। सो ये आपकी एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट है, राइट? और यहां पर जब ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो ये आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। सो आप यहां पर देखेंगे कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपकी ज्यादा है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आपकी कम है, यानी रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है तब जाकर आपका प्रोडक्ट बना है। मतलब एनर्जी रिलीज, इट इज एन एक्सोथर्मल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? अगर आपका रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है और प्रोडक्ट आपका यहां कहीं पर बन जाता तो ये कैसा रिएक्शन हो जाता, या आपका एंडोथर्मिक हो जाता। मतलब इसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हुई है तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, राइट? सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट? तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि इस चीज की हमें यहां पर जरूरत नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो हम यहां पर बना लेंगे। यहां पर बोला गया है कि जब आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, विदाउट एंजाइम, तो इसे इतना बड़ा पहाड़ जो है चढ़ना पड़ता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो ये एनर्जी का पहाड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप इसमें एंजाइम डालते हो तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई। यानी ये जो पहाड़ था जो आपको इतना सीधी खड़ी चढ़ाई करनी थी, ये अब आपको ना करके एक छोटा सा पहाड़ जो है आपको चढ़ना है, जिसके बाद ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, वाई दिस एनर्जी गोज डाउन, वाई दिस एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो हमें पता था पहले से, लेकिन क्यों डिक्रीज हुई ये आपको जानना है। जब एंजाइम नहीं था तो रिएक्शन अपने नॉर्मल पेस पे चलते रहेंगे। एंजाइम आर सो इंपॉर्टेंट कि अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी में ना हो तो आपका एक टाइम का खाना पचाने में कम से कम 46 से 48 साल लग जाएंगे। यानी आपका जिंदगी का पहला खाना आपका जिंदगी का आखिरी खाना भी होगा, वो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे विदाउट एंजाइम। एंजाइम आपके रिएक्शन रेट को करोड़ों गुना बढ़ा देता है, जिससे आपके विद इन फ्यू मिनट्स आपके सारे रिएक्शन हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाते हैं, राइट? सो यहां पर क्या हुआ, जब आपका एंजाइम इंटरैक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, समझ लो जब एंजाइम नहीं था तो नॉर्मल रिएक्शन आपका प्रेजेंट था, लेकिन जब आपका एंजाइम प्रेजेंट है, इफ दिस इज द एंजाइम व्हेन इट रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट, ये जब आपका सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर ये जब फिट हो जाएंगे तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की मेकिंग और ब्रेकिंग होगी, एंड ड्यू टू दिस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड, जिसे आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी यहां पर जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को मिल जाएगी, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, यानी अब उसे कंपैरेटिवली लेस एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझो। समझ लो तुम्हें जो है एक कलर बॉक्स लेना है, और वो कलर बॉक्स है आपका 100 रुपए का, एंड दिस 100 रुपए इज अ ह्यूज हर्डल। ओके, ये 100 रुपए आपका ह्यूज हर्डल है बिकॉज यू डू नॉट हैव कैटलिस्ट। सो आपको 100 रुपए जो है इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन समझ लो आपके पास अपनी पुरानी सेविंग थी जिसमें आपकी एक गुल्लक थी, आपने उस पिगी बैंक को तोड़ा और आपको 70 रुपए मिल गए। सो अगर आप पेरेंट्स से 100 रुपए मांगेंगे तो ये मुश्किल बात होगी, हो सकता है आपके पेरेंट्स कन्विंस ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स से अगर आप 30 रुपए मांगेंगे तो हो सकता है वो मेजरली कन्विंस हो जाए। कन्विंस होने के चांसेस यहाँ पर मैक्सिमम हो जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपकी रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो दिस 70 रुपीज इज व्हाट बाइंडिंग एनर्जी जो कि आपके पास ऑलरेडी आपको मिल गई है एंजाइम की तरफ से एज अ गिफ्ट। ओके, इस एनर्जी के ऊपर से आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, 30 एफर्ट आपको करने हैं, जिसके बाद आप जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। सो दिस बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपका जो रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इन रिएक्शन, वो कैसे बनता है? वो बेसिकली आपका इस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से बनता है, क्योंकि जब ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए रहेगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए रहेगी तो जो ग्रीन सबस्ट्रेट या ग्रीन रिएक्टेंट है ये आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट जो आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। एंजाइम आपका कभी यूटिलाइज नहीं होता रिएक्शन में, तो एंजाइम आपका वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट ओवर हियर। सो व्हाट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। यहां पर इतना जो गैप है किसने दिया? आपका बाइंडिंग एनर्जी ने 70 रुपए दे दिए। तो पहले आपको पेरेंट्स से 100 रुपए चाहिए थे, पहाड़ बहुत ऊंचा था। अब आपको गुल्लक तोड़ी आपने, 70 रुपए आपको मिल गए। सो अब आपको सिर्फ 30 रुपए चाहिए और ये आपको मिल जाएंगे। सो यू विल बी गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट एंड यहाँ पर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट वाज द जनरलाइज कॉन्सेप्ट। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज रोज ऐसा अमेजिंग कंटेंट नई नई सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। एंड अपॉलॉजीज फॉर यस्टरडे, बिकॉज कल मेरा इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मेरी क्लासेस जो थी लाइव क्लासेस वो भी अटक गई थी। सो वीडियो होने के बावजूद हम लोग नहीं बना पाए थे, मतलब नहीं अपलोड कर पाए थे ठीक से। तो कुछ वीडियोस मैंने नहीं बनाई हैं मॉर्निंग बाइट्स, क्योंकि मैं हर रोज़ फ्रेश बनाता हूं, तो ये आपका सुबह उठकर बनाया गया है। बाकी जो कल के लेक्चर्स है वो भी आज अपलोड हो जाएंगे। सो आज आप 4-5 लेक्चर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।